लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहां पर कमोडिटीज की भी करेंगे, जहां पर सोने चांदी की हमने चमक फीकी पड़ते हुए देखी है। दोनों ही सोने और चांदी की अगर बात की जाए तो अपने हाई से 7 से 9% तक यहां पर गिर चुके हैं। करंट लेवल्स पे कैसे बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर करेंगे राय। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हल्की सी तेजी आज बनते हुए नजर आई है, क्योंकि यूएस यहां पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अब कच्चा तेल खरीदने की बात कर रहा है, उसका कुछ सपोर्ट हमने आता हुआ देखा। बात दालों की भी करेंगे, जहां पर महंगाई नहीं काटेगी जेब, काफी सारे स्टेप्स यहां पर सरकार ने लिए हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हैं और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। लेकिन बात पहले सोने की कर लेते हैं। जतिन, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं इन लेवल्स पर? दीपल जी, देखिए जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, और इस हफ्ते तो बहुत ही ज्यादा डेटा स्पेसिफिकली मार्केट रहेगा। ये कल के दिन हम सीपीआई का डेटा आते हुए देखेंगे यूएस के अंदर, तो आज से लेके कल शाम तक जो व्यू पॉइंट थोड़ा सा सेल ऑन रहा है इसका मेंटेन है मेरा गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर। 1985 से लेके 1980 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं स्पॉट के अंदर गोल्ड के अंदर। लेकिन साथ ही साथ में जिस तरह से सीपीआई डेटा का रिएक्शन रहा है गोल्ड के ऊपर और जिस तरह से क्रूड के मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन कंटिन्यूड रखा है, तो मुझे लग रहा है कि सीपीआई डेटा के बाद एक आपको शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर देखने मिलेगी टुवर्ड्स 2000-2010-2015 के अराउंड अबाउट। सो बाउंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिप आने के बाद बिग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं सीपीआई डेटा के आसपास। और सीपीआई डेटा के बाद तुरंत फोकस शिफ्ट हो जाएगा फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की तरफ, जिसका रिएक्शन जो है हमें थर्सडे के दिन देखने मिलेगा, वेनसडे को रात को पॉलिसी रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये पूरा वीक जो है जैम पैक है, डेटा स्पेसिफिक मार्केट ड्रिवन रहेगा ये वीक में। सो दोनों साइड की मूवमेंट जो है मुझे देखने हुए मिल रही है। पहला जो रिएक्शन जैसे मैंने बताया आज से लेके कल के बीच में थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है वो रह सकता है, लेकिन कल शाम से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। गोल्ड के अंदर मैं लेवल्स देख रहा हूँ 2015 से लेकर 2020 के आसपास एक रिएक्शन आपको जरूर देखने मिलना चाहिए, वहां से फिर फ्रेश कॉल लेना पड़ चाहिए कि वहां से और फर्दर रैली आएगी या नहीं। और सिल्वर के अंदर भी एक बाउंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड अबाउट 2090 से लेकर 2085 के बीच में से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हायर टुवर्ड्स 23-25-23-30 कॉमेक्स के लेवल के हिसाब से। और एमसीएक्स के लेवल के हिसाब से मैं बात करूं तो लेवल स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है 72,000 एक बेस सपोर्ट फॉर्मेशन रहना चाहिए और हायर साइड में फिर से आपको 73-73,500 के आसपास के लेवल्स देखने मिलने चाहिए सीपीआई डेटा के दौरान या उसके बाद। जी दीपल। ऑलराइट, तो यहाँ पर सोने चांदी में व्यू है, प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन यहाँ पर और जारी रह सकती है। जो निवेशक हैं लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं वो निचले स्तरों के लिए यहाँ पर रुकें तो उठा पटक की एक्सपेक्टेशन आगे भी। एनर्जी पैक पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर नेचुरल गैस इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक मार्केट हो तेज गिरावट देखने को मिल रही है और कच्चा तेल भी ब्रेंट का भाव अगर देखें तो $75-76 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में 6,000 के नीचे प्राइसेस स्टेबल फिलहाल कारोबार करते हुए। जतिन, क्या व्यू है दोनों ही कमोडिटीज पर इन लेवल से, कच्चा तेल और नेचुरल गैस? दीपाली, फर्स्ट हाफ में ये वीक के दौरान मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको, क्रूड ऑयल जो है वो कच्चा तेल आपको अराउंड अबाउट 6,200 के आसपास लेके जा सकता है, क्योंकि ये बाउंस जो है वो एक अच्छे खासे सेल ऑफ के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट है नहीं और सेलर्स जो है वो यहाँ पे अट्रैक्टेड होंगे नहीं इस लेवल पे। मुझे लग रहा है अराउंड अबाउट 150-200 पॉइंट का एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 दिनों के हिसाब से, जब तक इन्वेंट्री नंबर्स नहीं आते उसके पहले एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेकर चले। ब्रेंट के अंदर $78 के आसपास तक का लेवल पकड़ के चलो और एमसीएक्स पर जैसे मैंने बताया 6,150 से लेकर 6,200 इस लक्ष्य के टारगेट्स के हिसाब से बाइंग करके चलना है। ओवरऑल जो आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो बाइंग पोजीशन रहेगा उसका, वो रखना है 5,900 के नीचे का और 5,980 से लेकर 5,970 के आसपास आप बाय करके चल सकते हैं। हायर साइड में 6,150-6,150 के आसपास जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी है। ये कच्चे तेल का व्यू पॉइंट रहा। नेचुरल गैस में जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से अच्छी खासी सेल ऑफ जो है कंटिन्यूड है, 300 के लेवल के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग रैली और नेगेटिव ट्रैक्शन जो है बना हुआ है। सेल ऑन राइस का व्यू मेंटेन है नेचुरल गैस के अंदर, जब तक ये काउंटर 225 के नीचे ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पर तब तक इसके अंदर व्यू पॉइंट जो है सेल ऑफ का बना हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइसेस ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है तो सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी ज्यादा फेवरेबल रहेगी। 210 से 212 के बीच में सेल करके चलना है, 220 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स 225 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। जी दीपक। ओके, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रहेगी नेचुरल गैस में, कच्चा तेल थोड़ा सा रिबाउंड हो सकता है लोअर लेवल से, ये व्यू है।
एनर्जी पैक पर। शुक्रिया जतिन आपका शो में आने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। कुणाल हमारे साथ बने रहेंगे, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो स्ट्रैटेजीज लेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे पल्सेस की, जहां पर सरकार की सख्ती काम आ रही है प्राइसेस कंट्रोल करने में। प्राइसेस हल्के हुए हैं, कितना हुए हैं, आगे क्या ट्रेंड रहेगा प्राइसेस का, इस सब पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।